कितने बलि के बकरे चढ़ाएंगे, वो वहाँ पे शहादत देंगे। हम यही चाहते हैं ईद का जो है वो पत्थर से होना चाहिए। 40 जवानों की शहादत हुई है, अभी वो रात ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक डीएसपी शहीद हो गए आज। तो मैं यही कह, गुस्से में हैं आप लोग? हम बहुत गुस्से में हैं, हमारे दिलों में आग लगी है। इनसे कुछ नहीं होता, हम जम्मू वालों को छोड़ दो, हम निपट लेते हैं इनको। ये हमें रातों रात वर्ल्ड वॉर चाहिए आज। आखिर कितना बर्दाश्त करेंगे आप लोग? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब बताएंगे हम कल से हम कर्फ्यू खुद देंगे इस शहीद के लिए, हम पूरा इंडिया बंद करेंगे। पर अब आर पार की लड़ाई है, अब इसमें टाइम नहीं है। नो मीडिया, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली था। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के शहीदों के लिए, जम्मू कश्मीर के परिवारों के लिए, जहां हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको ये कुर्सी छोड़ दी जानी चाहिए। हमारे दिलों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। कितने जवान हमारे शहीद हो जाएंगे? हम जानना चाहेंगे, आप डीएसपी अमन कुमार हमारे बीच नहीं रहे, उनके बारे में बताएं कि क्या आपकी बातचीत हुई थी, मिले कब थे आपसे, क्या बातचीत होती थी ये बताएं। हमारे वो मोहल्ले में किराए पे रहते थे, कम से कम 8-10 साल से वो किराए पे रहते हैं। वो बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही हॉनेस्ट थे। जब भी वो चलते थे अपनी नजरें झुका के चलते थे और हर किसी से वो हंस के प्यार से मिलते थे। कभी किसी ने उनके साथ किसी ने किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं था। उनके परिवार में कौन कौन था? उनके बेटा एक बेटा है और उनकी मिसेज